हे गाइस, क्या आपके पास बाइक है और उस बाइक में माइलेज खराब आ रहा है, माइलेज घट गया है? इस वीडियो को आप लोग फुल देखिए। क्यों, आज हम आपको बताएंगे पुरानी बाइक का जो माइलेज खराब हो जाता है, माइलेज घट जाता है, तो कुछ सेटिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। क्यों, पुराने बाइक में दिया जाता है हम लोग का मैनुअल सेटिंग, और मैनुअल सेटिंग अगर आप लोग ठीक से ना करेंगे तो माइलेज आप लोगों को सही नहीं आएगा। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कार्बोरेटर में दो नॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा, आरपीएम नॉट और ये माइलेज सेट करने का नॉट। ये लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग माइलेज सेट करें। पहले मैं आपको बताता हूँ, बाइक में दिया जाता है हम लोग का वाटरफ्लाई वाल्व, यानी कि स्लाइड बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग का दिया जाता है स्लाइड पिन। दोस्तों, इस पिन में दिए गया है 5 घाट, कंपनी का रिकमेंड होता है मिडिल पे रखिए। अगर नीचे ज्यादा कर देंगे तो आपका माइलेज घट जाएगा, ऊपर ज्यादा करेंगे तो माइलेज आप लोगों का बेहतर हो जाएगा, लेकिन बाइक का पिकअप कम जाएगा। तो मेरा सजेशन है मिडिल पे रखिए। अगर बाइक में यानी कि पिकअप का प्रॉब्लम हो तो 1 घाट नीचे कर सकते हैं, उस दौरान जब बाइक आपका ट्यूनिंग सही से नहीं आ रहा है। अब आते हैं एयर फिल्टर की बारी। एयर फिल्टर अगर आप लोगों का खराब हो जाता है, इसका लिंक ब्लॉक हो जाता है, तो एयर फिल्टर को आप लोग नया लगाओ, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, कार्बोरेटर में दिए जाते हैं हम लोग का फैलेंजर, एक हम लोग का होता है क्या, इंटेक से हम लोग का यार जाता है, ये कभी कभी क्या होता है, ये फट जाता है, इसलिए हम लोग को हवा लिखता है, यहाँ से यार लीकेज होता है और माइलेज घट जाता है। इसके लिए आप लोगों को मेरा सजेशन है, इस रबर को फेल दीजिए, नया लगा दीजिए। अब दोस्तों, बात आती है बाइक में ट्यूनिंग की। तो मेन पार्ट होता है हम लोग दो, तो मेन पार्ट होता है हम लोग यहाँ से बाइक का जो आरपीएम नॉट है, इसको आप लोग थोड़ा बढ़ाइए और इस नॉट को थोड़ा ढीला या टाइट करके देखो कहाँ पर सबसे ज्यादा आरपीएम आती है। तो मैंने कर दिया है और आरपीएम को हमने रखा है 1100 के आसपास में, इससे माइलेज बेहतर आएगा। तो दोस्तों, ये छोटा मोटा टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।